रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अफगानी गोश्त। गोश्त मैंने ले लिया 1 किलो, प्याज तली हुई, करीम, टमाटर प्यूरी, काली मिर्च, कसूरी मेथी, नमक, गरम मसाला, सूखा धनिया, जीरा पाउडर, कूटी हुई सब्ज मिर्चें, ऑयल, लहसुन अदरक का पेस्ट और योगर्ट। तो चलते हैं अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। ऑयल डालते हैं, ये देखिए गोश्त का रंग चेंज हो गया। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसको हमने अच्छी तरह भूनना है। ये बकरे का गोश्त है, बकरा ईद आ रही है तो आप भी इस तरह बनाइएगा। नमक, गोश्त हमारा भून गया और हम इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे गोश्त गलाने के लिए, और 10 से 15 मिनट हम दम पे रखेंगे हल्की आंच पे। लीजिए गोश्त हमारा गल गया। अब इसमें हम डालेंगे फ्राई की हुई प्याज, जीरा पाउडर, गरम मसाला, ब्लैक पेपर, इसको हम 5 मिनट और भूनेंगे। पाँच मिनट के भूनने के बाद अब टमाटो प्यूरी जाएगी इसके अंदर। इसका बस काम यही है कि इसको भूनना है। अब इसके अंदर योगर्ट जाएगा। और साथ कूटा हुआ धनिया। फिर इसको हम 5 मिनट पकाएंगे, भूनेंगे। थोड़ा सा पानी डालते हैं। और 5 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे रखेंगे इसको। कसूरी मिर्ची डालते हैं। क्या मजेदार खुशबू आ रही है। अब इसमें हम क्रीम डालेंगे।
चले हम इसे डिश आउट करते हैं। लीजिए अफगानी गोश्त तैयार हो गया, आप भी बकरा ईद पे बनाइएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।